21 अगस्त 2024 से सरकार महिलाओं के और समूह की दीदियों के खाते में भेजने वाली है 1,000 रुपये हर महीने, सालाना 12,000 रुपये। इस वीडियो में बहुत ही खास योजना के बारे में जानकारी देने वाले हैं। आवेदन शनिवार से कल से ही शुरू हो चुके हैं, यानी कि 4 अगस्त से ही शुरू हो चुके हैं। तो वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेयर करना ना भूले। पूरी वीडियो पूरा अपडेट जरूर देखें। मैया सम्मान योजना की पहली किस्त का भुगतान पहले चरण में आवेदन कब तक होगा, चलिए जानते हैं। कि सचिव ने बताया कि योजना को सफल बनाने के लिए कैंप का आयोजन जिला स्तर पर किया जाएगा। इसके लिए विभाग द्वारा सभी जिले के DSWO और SDSS या CDPO को आदेश दिए गए हैं। और मैया सम्मान योजना की वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई थी, आप देख लीजिएगा उसको जाकर के, उसमें सारी डिटेल मैंने बताई थी क्या योजना है कैसे है। तो शनिवार से योग्य लाभुकों और आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, ठीक है। शनिवार से आवेदन शुरू हो गए, यानी कल से आवेदन शुरू हो गए थे। अगस्त माह के किस्त का भुगतान 21 तारीख को होगा, ठीक है। अगस्त महीने का किस्त का भुगतान 21 तारीख को हो जाएगा। इसके लिए 13 अगस्त तक आवेदन पर विचार होगा, 13 अगस्त तक आवेदन होंगे। खराब मौसम और कई तकनीकी खराबी के बावजूद पहले दिन शाम 4 बजे तक 2582 आवेदन आए, इसमें से 2580 आवेदन पेंडिंग थे, वहीं 2 को स्वीकृत किया गया। स्वीकृत आवेदन लातेहार और पलामू के लाभुक के हैं। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव मनोज कुमार ने IPRD स्थित सभागार भवन में प्रेसवार्ता कर इसकी जानकारी दी। शनिवार से जगह जगह कैंप लगाकर आवेदन लेने का काम शुरू हुआ, जो 10 अगस्त तक लगेगा। शनिवार को भी कैंप लगेगा, 10 के बाद भी विभाग द्वारा कैंप जारी किया जाएगा, ठीक है। शनिवार को कैंप लगा था और 10 तारीख के बाद भी कैंप लगेगा वो बताया जाएगा। और वहीं आगामी 21 अगस्त से पोर्टल के माध्यम से आवेदन जमा किए जाएंगे, 21 अगस्त से पोर्टल के माध्यम से आवेदन जमा किए जाएंगे। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में भी योग्य लाभुकों से आवेदन लिए जाएंगे। सचिव ने कहा, मौसम की खराबी के कारण पहले दिन आवेदन अपलोड करने में नेटवर्क स्लो होने की वजह से कुछ तकनीकी अड़चनें आई थी, जिन्हें दूर कर लिया गया है। अगले माह से 15 तारीख तक राशि का भुगतान किया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए कई अर्हता तय की गई, इसमें एक राशन कार्ड में लाभुक का नाम होना जरूरी है। और इस दौरान विभाग के अपर सचिव ने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रत्येक जिले में इस योजना के प्रति जागरूकता के लिए शुक्रवार को जागरूकता रथ को रवाना किया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर विभागीय स्तर पर मॉनिटरिंग की जा रही है। और इसी के साथ सचिव ने बताया कि योजना को सफल बनाने के लिए कैंप का आयोजन जिला स्तर पर किया जाएगा। इसके लिए विभाग द्वारा सभी जिले के CDPO और DSWO और SDSS का आदेश दिया गया है। JAP ID द्वारा एक पोर्टल और एक विभाग एवं ई गवर्नेंस के आधार पर अलग अलग वार रूम बनाए गए हैं। लाभुकों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। इसके लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जो स्क्रीन पर हम आपको दिखा देंगे। टोल फ्री नंबर देख सकते हैं, कोई भी परेशानी हो इसके बारे में जानना है आपको, इस योजना के बारे में जानना है, या कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करके संपर्क कर सकेंगे। और पोर्टल के माध्यम से ही आवेदन का सत्यापन भी किया जाएगा। आवेदन फॉर्म ऑनलाइन उपलब्ध है। कैंप लगाकर आवेदन लेने के लिए गवर्नमेंट सर्विसेज लिमिटेड द्वारा प्रति कैंप सभी तकनीकी जरूरत का सामान उपलब्ध कराया गया है। योजना का लाभ 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को दिया जाएगा। प्रत्येक महिला को साल भर में कुल 12,000 रुपये दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ ऐसी महिलाओं को मिलेगा जो अन्य किसी पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रही हैं। योजना का लाभ लेने के लिए आधार, राशन, एपिक कार्ड, आधार लिंक बैंक खाता और झारखंड का निवासी होना चाहिए, क्योंकि ये योजना जो है झारखंड की है, तो झारखंड का निवासी होना जरूरी है। आवेदन फॉर्म की फोटोकॉपी द्वारा लाभुक आवेदन कर सकेंगे। लातेहार या किसी भी जिले के राशन कार्ड में किसी महिला का नाम दर्ज है लेकिन शादी के बाद वह रांची या अन्य किसी भी जिला में चली गई, तो उसे योजना का लाभ मिलेगा। सभी जिले के उपायुक्त, यानी कि मान लेते हैं किसी बैंक की शादी हो गई है लेकिन राशन कार्ड में नाम है, तो उसको मिलेगा, ठीक है, उसको भी। और सभी जिले के उपायुक्त को निर्देश दिया गया है, जहां बिजली की समस्या है वहां जनरेटर की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये चीज़ें थी मैया सम्मान योजना को लेकर के। ये झारखंड की योजना है, सरकार इसमें महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये देगी, ठीक है। और सालाना के माध्यम से अगर हम जोड़ें तो कुल 12,000 रुपये हुए।
एक महीने में 1000 रुपये। बहुत ही अच्छी बात है। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं, योजना का लाभ लें, आवेदन करें। कैंप बराबर लग रहे हैं, आवेदन शनिवार से ही शुरू हो चुके हैं, आवेदन होते रहेंगे और लाभ लीजिए आप सभी। वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल बनी हुए सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।